नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश का उत्तराखंड एडिशन। और हर रोजाना की तरह आज एक बार फिर हम हाजिर हैं किसी और नई विधानसभा के साथ। तो आज हम बात करेंगे देहरादून की धर्मपुर विधानसभा की। आखिर वहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये जानने की कोशिश तो करेंगे ही। साथ ही चुनाव से पहले जनता का क्या मूड है और जनता का क्या रुख है, ये भी परखने की और जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो अगर थोड़ी डिटेल में जाएं धर्मपुर विधानसभा की, तो वहाँ पे आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के विधायक विनोद चमोली वहाँ से विधायक हैं धर्मपुर विधानसभा से। अब अगर धर्मपुर विधानसभा की बात कर ली जाए और उन विधायक की बात कर ली जाए विनोद चमोली की, तो कुछ अच्छा रिजल्ट वहां पर दिखता हुआ नजर नहीं आता बीजेपी का। वो इसलिए क्योंकि 5 साल होने को आए हैं, ना तो तस्वीर बदली है ना ही कुछ विकास हुआ है, ऐसा हमारा नहीं जनता का वहां की कहना है और तस्वीरों का कहना है। तस्वीरें भी अभी आपको दिखाएंगे, उससे आप खुद ही जान जाएंगे कि आखिर कितना विकास धर्मपुर विधानसभा में हुआ है। तो देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की ये धर्मपुर विधानसभा की तस्वीरें हैं। अब आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या काम वहां पर 5 साल में हुआ होगा, जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए या नहीं हुए, ये तो खुद ही पता चल सकता है। साथ ही अगर विधायक जी की बात की जाए विनोद चमोली की, तो देखिए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड भी कुछ खास नहीं वहां से नजर आता। वो इसलिए क्योंकि जनता बेहद नाराज है। जनता नाराज इसलिए है कि चुनाव के समय में और चुनाव से पहले विधायक जी ने खूब क्षेत्र का दौरा किया, खूब क्षेत्र के चक्कर लगाए, जनता से बातचीत की, तमाम वादे किए, तमाम दावे किए, लेकिन जब विधायक जी चुनाव जीत गए, उन्हें सीट मिल गई, तो विधायक जी छूमंतर की तरह क्षेत्र से गायब हो गए और यही वजह है सबसे बड़ी नाराजगी की। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से धर्मपुर विधानसभा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब आप इसी से पता लगा सकते हैं कि गंदगी जब इतनी है तो कितनी बीमारियां वहां पर पैदा होती होंगी और जनता वहां की कितनी ज्यादा परेशान होती होगी। अब अगर 2017 में वोट शेयर की बात कर ली जाए, तो बीजेपी का वोट शेयर धर्मपुर विधानसभा में 50.96% रहा था। कांग्रेस के वोट शेयर की बात की जाए, तो कांग्रेस का वोट शेयर 40.59% रहा था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि परिसीमन के बाद से ही ये सीट काफी सुर्खियों में रही है, यानी कि धर्मपुर विधानसभा जो है और ये सीट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में परिसीमन के बाद से ही रही है और इसीलिए सीट को काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट भी कहा जाता है और मुकाबला भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है इस सीट से। साथ ही आपको बता दें कि देखिए हॉट सीट है, ऐसे में जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है विधायक की कि क्षेत्र की जनता को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब 22 में चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने का समय रह चुका है, ऐसे में चुनाव से पहले हर बार की तरह इस बार भी बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, जनता के बीच उतरने की कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है और उन्हें लुभाने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कितनी गंदगी इस विधानसभा क्षेत्र में नजर आती है, इसीलिए जनता की नाराजगी भी है, क्योंकि ना तो समय से विधायक जी पहुंचते हैं इस क्षेत्र में, ना उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र की जनता किस हाल में जी रही है। तो इसीलिए आज पूरे ये आधे घंटे हम इसी विधानसभा की बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ग्रामीण भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस क्षेत्र के स्थानीय हैं वो जुड़ेंगे और देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि आखिर समस्या क्या है। क्योंकि देखिए तस्वीरें तो हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो ही बखूबी बता सकते हैं कि आखिर असली समस्याएं हैं क्या उनकी और किस तरह से उन्हें परेशानियां होती हैं। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, रोजगार को लेकर क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से मिल रही हैं, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं के तौर पर तो देखते ही हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आज के समय में भी आज़ादी के 70 साल बाद भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं लोगों को मिलती हैं। इसीलिए ये मंच हमने उन लोगों को दिया है, उन लोगों के लिए है, वो जो अपनी बात कभी नहीं रख पाते, जो अपनी बात कभी नहीं उठा पाते, इसीलिए आज हम
धर्मपुर विधानसभा की बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग तो जुड़ेंगे ही और वो बताएंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव से पहले देखिए हर नेता की बात की जाए तो हर नेता चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये सौगात देंगे, इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, इन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, इन चीज़ों का शिलान्यास किया जाएगा, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉलेज बनवा दिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा दी जाएंगी, शिक्षा के लिए ये कर दिया जाएगा, शिक्षा के लिए वो कर दिया जाएगा, महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर वादे किए जाते हैं, क्योंकि इस बार तो बहुत ज़्यादा विधानसभा चुनाव में 2022 में ट्रेंड हो गया है कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बात इस बार हो रही है। तो ऐसे में लेकिन वहां की जनता का क्या रुख है, जनता क्या कहती है, ये सबसे ज्यादा जानना अहम भी हो जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनावी वादे जो किए जाते हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते, इन पे कोई ध्यान नहीं देता, बस सब ध्यान देते हैं तो उस पर देते हैं कि नेताओं ने मंत्रियों ने आखिर घोषणा क्या कर दी है, आखिर बड़े बड़े वादे जनता से क्या कर दिए हैं, लेकिन उन वादों को करने के बाद वो वादे पूरे होते भी हैं या नहीं होते, इस पर बात करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वादे तो कोई भी कर देता है लेकिन जनता जब उस चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार करती है और वो चीज़ जब उन्हें नहीं मिलती तो वो ज़्यादा अहम होता है कि आखिर जब इतनी बातें की थी, जब बड़े बड़े वादे किए थे तो उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। इसीलिए हमने ये खास कार्यक्रम रखा है मेरा गांव मेरा देश, ताकि जो गांव से जुड़े लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, अक्सर उन्हें मंच नहीं मिलता, अक्सर उन्हें मौका नहीं मिलता, तो इसीलिए ये हमने रखा है कार्यक्रम ताकि उन्हें मौका दिया जाए, ताकि उन्हें मंच दिया जाए, उनकी जो भी बात है जो भी समस्या है वो हम तक पहुँचाई जा सके, ताकि हम उनकी बातों को आगे उनके जनप्रतिनिधियों के सामने रख सके। तो ऐसे में आपको बताया था कि जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे देहरादून से सुभाष कौर, और ग्रामीण भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे जो स्थानीय निवासी हैं धर्मपुर विधानसभा के, वो बताएंगे कि आखिर किस तरह का वहां पे माहौल है, जनता के मन में क्या है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अभी भी तमाम जगह ऐसी हैं, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास नहीं हुआ, और इसीलिए वहां की जनता काफ़ी नाराज़ रहती है, चुनाव में बहिष्कार की बात यहां पर की जाती है, तो इसीलिए हर विधानसभा का हम इसी तरह से रुख करते हैं और हर विधानसभा की बात करते हैं। तो चलिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, सुभाष गौड़ ब्यूरो चीफ हैं देहरादून से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अरुण पांडे हैं जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अरुण पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूँगी, आप बताइए धर्मपुर विधानसभा में कितना अब तक विकास हुआ है 2017 से अब तक 5 साल में, क्या कुछ तस्वीर है वहाँ की? अगर विकास होता मैडम तो विकास कहाँ दिख रहा है, विकास तो केवल कागजों में और घोषणाओं में हुआ है, और 2-3 महीने से जब से ये चुनाव आचार संहिता लगने वाली है इसलिए जल्दी से जल्दी वो किया जा रहा है कि हाँ किसी ना किसी तरह से घोषणाएं की जाए। जो 2017 की चुनाव की घोषणाएं थी वो अभी तक भी पूरी नहीं हुई, बहुत सारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है गलियों में रोडों की, एक बार खुदाई होती है तो वो 5 साल तक अभी तक भी नहीं भर पाए गड्ढे। जी जी बिल्कुल अरुण जी, और देखिए अगर विधायक जी की बात की जाए तो वो कितना क्षेत्र में पहुंचते हैं, क्या जनता से बात करते हैं, वो कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, कभी नए भी पहुंचते हैं पर कम ही पहुंचते हैं। जी मतलब बहुत ज्यादा जनता से नहीं मिलते हैं? नहीं जी। ठीक है अरुण जी, ठीक है। सुभाष गौड़ भी यहाँ पे बने हुए हैं हमारे साथ, सुभाष आप बताइए धर्मपुर विधानसभा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा ग्राउंड जीरो पर भी जाते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, तो धर्मपुर विधानसभा की अभी क्या तस्वीर है, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है, उससे तो पता चल रहा है कि विकास क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, धर्मपुर अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सबसे खास बात यह है कि 2017 में जब इस विधानसभा सीट से
उस समय के जो वर्तमान उस समय वर्तमान में मेयर थे विनोद चमरियो, विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और धर्मपुर का जो नेतृत्व है, धर्मपुर का जो विकास कार्य है वो विनोद चमोली के कंधों पर आ गया। लेकिन जिस तरीके की समस्याएं अभी भी, यानी कि कहा जा सकता है कि प्रथम बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो आज भी बरकरार है। क्योंकि ये देखा जाता है कि बड़ी समस्या यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि सफाई की बहुत बड़ी समस्या अनुभव देखी जाती है। और क्योंकि उस समय विनोद चमोली मेयर भी थे और लगभग उन्होंने अपने मेयर का जो कार्यकाल है वो पूरा भी किया था, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि धर्मपुर का जो कायाकल्प है वो नगर निगम के जरिए भी होगा और कुल मिलाकर धर्मपुर विधानसभा सीट में सफाई जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ऐसे कई स्थान है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां कूड़े के ढेर आपको सड़कों के किनारे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पूरे शहर का कूड़ा है उसको धर्मपुर विधानसभा यानी कारगी चौक के आसपास फेंका जाता था और वहां उसका प्लांट बनाया गया था, लेकिन लोगों के बड़े विरोध के बाद, जनता के बड़े विरोध के बाद उसको चेंज किया गया। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि उस प्लांट में बहुत अधिक संख्या में गंदगी रहती है, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। साथ ही जैसे कि अरुण जी ने बताया कि उनके क्षेत्र में भी सड़कों की जगह गड्ढे बने हुए हैं जो गड्ढे अभी तक नहीं भरे। हालांकि क्योंकि चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए सरकार और विधायक भी ये चाहते हैं कि घोषणाएं कर दी जाएं और घोषणाओं के सहारे वो चुनाव के मैदान में उतर जाएं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि धर्मपुर विधानसभा जो सीट है उसमें घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा, जनता के बीच में अपनी इमेज साफ करनी होगी, बेहतर काम करना होगा, तब जाके ही जो आम जनता है उनको वोट भी देगी, जैसे कि अरुण जी भी बता रहे थे। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि समस्याएं धर्मपुर विधानसभा सीट में बहुत सी हैं और बहुत से लोग इन जो समस्याएं हैं उसका उसको लेकर कई बार ये कहा जा सकता है प्रशासन के पास, विधायक जी के पास पहुंचते भी होंगे, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण कब तक होता है, उन समस्याओं को कब तक खत्म किया जाता है, ये बड़ा सवाल। जी ठीक है सुभाष। अरुण जी देखिए, समस्या तो पता चल गई कि बहुत सारी है, लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, शिक्षा के लिए बात की जाए, तो क्या बच्चों के लिए शिक्षा के कुछ खास इंतजाम है धर्मपुर में और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुछ खास इंतजाम है वहां पर? स्वास्थ्य सुविधाएं तो जो 2002 से 2017 से पहले थी वही हालात है। कौन सा हॉस्पिटल नया बना, कौन सा CHC नया बना, कौन सा कुछ नहीं बना उसमें, तो कोई भी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के तो बहुत बुरे हाल है जी। और अगर किसी को कोई समस्या आ जाए, अचानक से इमरजेंसी आ जाए, कोई परेशानी या बीमारी हो जाए, फिर वहाँ के लोग कहाँ का रुख करते हैं? धून अस्पताल का रुख करेंगे, कोरिनेशन गानी, या तो कोई इधर उधर, वहाँ पे एक प्राइवेट है मैन इंद्रेश, दो फिर तो प्राइवेट ही जाना पड़ता है ना मैडम, यानी सरकारी अस्पताल नहीं है? सरकारी अस्पताल हैं पर कहाँ चलते हैं वो, दो उनमें तो ताला ही देखा मैंने, अधिकतर तो उनमें ताले लटके हैं और गायें घास चूं रही हैं उनके बाहर। उनकी हालात तो ये है कि कोई रह भी नहीं सकता, झुग्गी झोपड़ियों से भी हालात खराब है उनके हॉस्पिटलों के। जी तो अरुण जी, जो विधायक हैं यहाँ के विनोद चमोली जी, क्या उनको अवगत कराया गया इन सभी समस्याओं से? इन 5 साल में उन्हें बताया गया कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है, क्या शिक्षा का हाल है? अरे जब कोई चुनाव वोट मांगने आता है तो उसे तो सब पता होता है कि क्या क्या यहाँ समस्याएं होती है, वही तो वादे करके जाता है कि मैं इस समस्या का हल करूंगा जी। तो अब उन्हें कितनी बार अवगत कराएं, आपके समाचार माध्यम से पता रहता है और वहाँ की लोग क्षेत्रीय जनता जाती है जी। अब आज होगा कल होगा वो 5 साल आ जाते हैं, फिर अब 2022 के बाद 27 भी आ जाएगा, फिर भी वही रहेगा। तो अरुण जी, जब समस्या इतनी है, अवगत भी करा दिया जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो इस बार 2022 में धर्मपुर विधानसभा की जो जनता है उसका क्या मन है, क्या मूड है? ये तो अब जनता ही बताएगी, सबका अपना अपना मूड है कि क्या होता है क्या नहीं, वो तो 2000 चुनाव के दिन पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि अब क्या हुआ। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए, आप क्या परिवर्तन चाहते हैं 22 में? जैसे हालात चल रहे हैं परिवर्तन तो हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
यानी कि कोई भी खुश नहीं है। ठीक है सुभाष, देखिए लगातार हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, काम तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अक्सर हम देखते हैं हर रोजाना जब हम तमाम विधानसभाओं के बारे में बात करते हैं, वहाँ की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं सेम नजर आती है कि चुनाव से पहले नेता उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक जो है पहुंच जाते हैं, वादे कर देते हैं, लेकिन जो 5 साल का समय रहता है जब जीतने के बाद, 5 साल का समय होता है अगले चुनाव के दौरान का भी, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहुंचते ही नहीं है नेताजी, लेकिन बड़ी विडंबना है और बड़ी ही बेशर्मी की तरह अगला चुनाव जब आता है नेताजी फिर से पहुंच जाते हैं जनता के बीच में। जी बिल्कुल, ये तो पूरे उत्तराखंड की स्थिति है, न केवल धर्मपुर की, बल्कि ये कहा जा सकता है उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा सीटें हैं सभी सीटों की यही स्थिति, और खास तौर से ये तो मैदानी क्षेत्र की सीटें हैं, लेकिन जो पर्वतीय सीटें हैं उनके हाल तो और भी खस्ता है। ये कहा जा सकता है कि उन क्षेत्रों में तो विधायक ही केवल वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं पैदल चलकर, लेकिन उसके बाद वो कभी ना वहां सड़क पहुंचाते हैं ना समझते हैं। लेकिन अभी बात हो रही है धर्मपुर विधानसभा की, तो धर्मपुर विधानसभा सीट पे विधायक विनोद चमोली, और ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जरूर वो सभी क्षेत्रों में, सभी वार्डों में, सभी ब्लॉकों में पहुंचे होंगे समस्याओं को सुनने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे कि अरुण जी भी बता रहे और कई स्थानीय लोग लगातार बताते हैं कि धर्मपुर में विधायक भी उसके बाद उनकी बात सुनते नहीं है, फोन पर उनसे बेहतर तरीके से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से कार्यक्रम किए थे धर्मपुर विधानसभा सीट पे किस्सा कुर्सी का, उसमें भी हमने देखा था कि लोगों की ये शिकायत बहुत ज्यादा थी कि जो विधायक जी हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं, गंदगी की स्थिति आज भी वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी, कोई भी सुधार नहीं हुआ डबल इंजन की सरकार में, और विधायक जी को यदि अवगत कराया जाता उसके बावजूद भी उन क्षेत्रों में काम नहीं होता, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2017 में लगभग 10,000 वोटों से, यानी कि 10,000 वोटों की लीड से विनोद चमोली विधानसभा तक पहुंचे थे, और धर्मपुर की जो बड़ी जनता है, जो पहाड़ी मूलभूत के लोग हैं, पहाड़ी मूल के जो लोग हैं, वो चाहते थे कि उनका विकास विनोद चमोली करेंगे और कुल मिला के धर्मपुर का जो कायाकल्प है वो फिर से सुधरेगा और धर्मपुर साफ और स्वच्छ विधानसभा में गिनी जाएगी। लेकिन जैसे कि अरुण जी बता रहे हैं उनके क्षेत्र में आज भी गंदगी का अंबार वैसे ही है, तो कहा जा सकता है कि अरुण जी जैसे कहीं और भी लोग हैं जिनके क्षेत्रों में आज भी वैसी स्थिति बनी हुई है। जी जी बिल्कुल सुभाष, स्थिति तो बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी ही बनी हुई है। अरुण जी देखिए जिस तरह से अब चुनावी माहौल है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, देहरादून में, कभी कोई कहीं जा रहा है, जैसे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचे थे, तो ऐसे अगर धर्मपुर की बात की जाए तो वहां पर भी क्या अब तक कोई बड़े नेता आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या उनको समस्याओं से अवगत कराया गया है? अभी तो सारे नेता आ रहे हैं, अभी तो सारे टिकट की दौड़ में लगे हैं, तो सभी आएंगे, बड़े नेता कौन आएंगे जी। आजकल तो हर कोई गली में आ रहा है, मैं ये समस्याएं करवा दूंगा, विधायक साहब भी भाग रहे हैं कि हाँ क्या क्या समस्याएं हैं, अब वो समस्याएं कब सॉल्व होती हैं ये पता नहीं। तो फिर उनसे अरुण जी उनसे तभी पूछना चाहिए ना कि जब आते हैं वो और कहते हैं कि हम समस्या ठीक करा देंगे, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई पहले भी तो देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की भी रही है, दोनों ही सरकारों में जब अब तक तस्वीर नहीं बदल पाई तो फिर आगे क्या बदल पाएगी, ये तभी पूछना चाहिए। तो अभी तो उन्होंने वादा कर दिया, मैं कल सुबह करता हूँ, मैं परसों करता हूँ, नरसों करता हूँ, एक महीने में हो जाएगा, चुनाव के बाद तो पक्का है जी। ये है ना जी। अभी अगर आपने अवगत करा दिया तो वो कहेंगे कि आज ही हो जाएगा, कल से काम चालू हो जाएगा, वो 2-4 दिन दिख जाएगा, चुनाव तक तो दिख ही जाएगा ना, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, उसके बाद क्या होना है वो तो 5 साल बाद फिर दिखेंगे कि हाँ अब ये फिर दोबारा यही समस्या खड़ी हो गई जी। और ठीक है अरुण जी, लेकिन देखिए जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार उत्तराखंड में रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि धर्मपुर विधानसभा में किस सरकार के कार्यकाल के दौरान अच्छा काम हुआ हो? जैसे सब अगर अच्छा काम हुआ होता तो फिर कांग्रेस से बीजेपी वाले को क्यों लाते, बीजेपी से कांग्रेस वाले को, तो ये तो जी 50-50 है, बराबर है सबका, मतलब ना किसी ने कम किया ना किसी ने ज्यादा किया। हाँ ठीक है। और अरुण जी इस बार तो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी उतर रही है चुनावी मैदान में, उसको लेकर क्या राय है आपकी?
कि क्या मौका दिया जाएगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 50-50 हैं। तो वो तो आम आदमी तो अभी दिखा नहीं, मैं मुझे तो कोई आम आदमी वाला मिला नहीं, अब मिलेगा, मैं मिलेगा तो बता दूंगा। अच्छा, मतलब धर्मपुर विधानसभा में अभी कोई आम आदमी पार्टी का नेता पहुंचा ही नहीं है, ना कोई रैली हुई है, कोई नेता ऐसा तो कोई मेरे नजर में आया नहीं, संज्ञान में मामला ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब यानी कि अरविंद केजरीवाल भी देखिए 5 दौरे कर चुके हैं, बड़े बड़े इलाकों में ही पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े जिलों में ही पहुंच जाते हैं, और जो छोटी छोटी विधानसभाएं होती हैं वहां पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप ही नहीं जाते। जी ठीक है, सुभाष देखिए आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे तो इस बार कर रही है, वादे तो कर रही है कि फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, महिलाओं की बात भी कर रही है, लेकिन धर्मपुर विधानसभा में तो बताइए जनता को पता ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी है भी या नहीं चुनावी मैदान में। जी बिल्कुल, धर्मपुर की जनता को ये जरूर मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, लेकिन धर्मपुर की जनता को अभी ये नहीं पता कि धर्मपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी से कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, जो पहुंचेंगे। यानी कि ये साफ है कि धर्मपुर में आम आदमी पार्टी का कोई भी वर्चस्व नहीं है, वो यूं इसलिए भी नहीं है क्योंकि ना तो उसका कोई प्रतिनिधित्व धर्मपुर सीट पर उनको नजर आता है, ना उनके कोई कार्यकर्ता नजर आते हैं जो बताएं कि आखिरकार समस्याओं को वो दूर करेंगे या फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे या फ्री राशन, जो भी वो फ्री का देना चाहें। ये साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी धर्मपुर विधानसभा सीट में कहीं नजर नहीं आती है, क्योंकि जब चेहरा ही नहीं पता कि आखिरकार चुनाव किसने लड़ना आम आदमी पार्टी में धर्मपुर से, तो कार्यकर्ता कहाँ से होंगे, जब कार्यकर्ता नहीं है तो ये साफ है कि आम आदमी पार्टी का धर्मपुर विधानसभा सीट से कोई लेना देना नहीं है, उनका ना कोई प्रतिनिधित्व यहाँ से दिख रहा है ना ही उनके कार्यकर्ता। तो इतना साफ है कि धर्मपुर विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सुभाष, और देखिए जिस तरह से आपने पहले भी बताया था कि आप गए थे कार्यक्रम करने के लिए किस्सा कुर्सी का, और वैसे भी आप जाते हैं ग्राउंड जीरो पर, तो देखिए जनता तो नाराज है कि काम नहीं हुआ, लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि दोनों ही सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, तो एक तरह से 50-50 काम हुआ है, ना तो किसी ने बहुत ज़्यादा किया है ना किसी ने बहुत कम किया है। लेकिन अगर और लोगों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाके हों चाहे धर्मपुर विधानसभा के शहरी इलाके हों, उनमें जनता के मन में आखिर है क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि अरुण जी ने जो कहा वो शब्द इस तरीके से थे, उनका कहने का मतलब ये था कि दोनों ही पार्टियों ने यहाँ काम नहीं किया। यदि कांग्रेस ने काम किया होता तो वो कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव में हराकर बीजेपी को नहीं लाते अपना विधायक बनाकर, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद बीजेपी के जो विधायक है या बीजेपी जो सरकार है वो धर्मपुर के उन क्षेत्रों में काम करेंगे जो कांग्रेस ने नहीं किए। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बीजेपी की सरकार भी देख ली, बीजेपी के विधायक भी देख लिए, तो अब उन्हें उम्मीद ये हो रही है कि जब कांग्रेस ने जो काम नहीं किए वो बीजेपी ने भी नहीं किए, तो कुल मिला के ये साफ है कि ना बीजेपी की जरूरत है ना कांग्रेस की जरूरत है। लेकिन क्योंकि अब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, हालांकि ऑप्शन आम आदमी पार्टी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी का तो कोई व्यक्ति उन्होंने देखा ही नहीं है, तो ये साफ है कि अब लहर पे काम होगा, और खासतौर से धर्मपुर की विधानसभा सीट पर जिन क्षेत्रों में काम किया गया होगा विधायक द्वारा, उन सीटों पर विधायक जी को वोट मिलेंगे, और जिन सीटों पर नाराजगी होगी उन सीटों पर कांग्रेस को वोट मिलेंगे। ये साफ है कि जो 50-50 का रेशो अरुण जी बता रहे हैं वो इस तरीके से सामने आ सकता है कि अगर काम बेहतर हुआ भाजपा का विधायक का, तो भाजपा को वोट फिर पड़ सकते हैं, वो फिर जीत सकते हैं, एक बार फिर विधानसभा पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि काम नहीं किया गया होगा, नाराजगी बहुत ज्यादा होगी, तो वो वोट हैं कांग्रेस को मिलेंगे और उसका फायदा कांग्रेस उठाएगी और कांग्रेस विधानसभा तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, आप काम की बात कर रहे हैं लेकिन तस्वीरें देखकर तो लग रहा है जिस तरह से गंदगी जमी हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ, उससे तो लग रहा है कि काम तो शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कर दिया हो काम, लेकिन लग नहीं रहा वहां पर काम हुआ हो। ठीक है अरुण जी, आप बताइए कि देखिए विधायक जी क्षेत्र में कम आते हैं, जनता से कम बातचीत करते हैं, लेकिन अगर विधायक निधि की बात की जाए तो उसको लेकर क्या विधायक जी ने विधायक निधि से कुछ वहां पर काम किया है धर्मपुर विधानसभा में? हाँ, विधायक निधि से काम हो रहा है जी। विधायक निधि से तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है।
जी ठीक है अरुण जी, और अगर महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं वहां पर मिल पाती हैं? महिला सुरक्षित हैं धर्मपुर की? ऐसा विशेष तो कुछ किया नहीं है उन्होंने कि महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रोजेक्ट लाए हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्ची या कोई लड़की पढ़ाई करने के लिए जाती है तो वो रात को भी अगर आ रही है तो सुरक्षित पहुंच सकती है अपने घर? ऐसे हालात हैं वहां के? इतनी सुरक्षा मिलती है वहां पर लड़कियों को? अरुण जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सुभाष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम देहरादून की धर्मपुर विधानसभा की बात यहाँ पर कर रहे थे, मेरा गांव मेरे देश में। तो तस्वीरें देखकर तो लग रहा था, और जिस तरह से अरुण जी जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने बताया, तो विकास तो वहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन विधायक जी ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे कि हम ये काम कराएंगे हम वो काम कराएंगे, लेकिन 5 साल में उस काम का कुछ भी होता हुआ वहां पर नजर नहीं आया। कल फिर होगी मुलाकात किसी और विधानसभा के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ पोल इंडिया।